हमारी यहाँ पर जो इनर व्हील क्लब की चेयरमैन बड़ी बहन मधु नागपाल जी आई हुई हैं और उनके साथ में ज़्यादा लंबा ना लेते हुए तमाम इनर व्हील क्लब की मेम्बरान हमारी बहनें, सबसे पहले तो शेष ये समझ लो प्रधान जी के ही बोल हैं, गांव खेड़ा हटाना आप सब लोगों का तय दिल से धन्यवाद करता है, स्वागत करता है कि आप इस पिछड़े गांव में आए और आपने यहां करके इस कार्य को करने का जज्बा दिखाया। इसके साथ में मैं बिल्कुल अपने गुप्ता भाई गर्ग भाई जो हमारे लाला लोग हैं, आप ही का गांव है, ये पूर्वज यहीं पर रहे, इन लोगों का जन्म यहीं पे हुआ और इन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए एक मातृभूमि का ऋण समझते हुए इस गांव में ये कार्य करने का जज्बा दिखाया। नहीं तो बहुत लोग हैं गांव से पैदा होते हैं, बाहर चले जाते हैं, अधिकारी बन जाते हैं, अफसर बन जाते हैं, गाँव की सुध नहीं लेते, गाँव तो गाँव अपने भाई की भी सुध नहीं लेते, तो इन्होंने ये काम करके यहाँ दिखाया। हम बिल्कुल समस्त गांव इनका तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं और हर काम में इनका सहयोग रहेगा, इसके भी हम वो हैं। बहन मधु जी को वो नहीं जानती, मैं जानता हूँ, जनरल अहलावत साहब से एक दिन दिल्ली में बात हुई थी, ऐसे अहलावत जी से जानते हैं बात हुई, क्योंकि मैं भी एक संस्था से जुड़ा हुआ हूँ, उत्तर प्रदेश जाट महासभा का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ, एक्स मैन भी हूँ और हमारे कर्नल साहब जनरल साहब उनसे इस बारे में डिस्कस होती रहती हैं, वो लोग भी क्लब चलाते हैं, हम भी चलाते हैं, हमने जाट सभा में बागपत में चला हुआ है, तो बहुत अच्छी बात रही रिजल्ट की बात। 73% पॉपुलेशन इंटीरियर में रहती है, देहात में रहती है, शहर में ओनली 27% जनसंख्या रहती है। जब आप वहाँ पर 27% में चला सकते हो तो यहाँ तो दौड़ेगा 73%, यहाँ तो सुविधा चाहिए, सुविधा है नहीं, हमारी बच्चियाँ हैं, बेटी हैं, इधर जाओ 13 किलोमीटर दूर, इधर जाओ 13 किलोमीटर दूर, हमें पता टेम्पो में कैसे कैसे पढ़ने जाती हैं, कैसी वहाँ कोचिंग मिलती हैं, जो लोग खुद सब्जेक्टों में फेल हो जाते हैं, सर्विस में फेल हो जाते हैं, वो सेंटर खोले हुए हैं कोचिंग सेंटर बड़ौती में, अब वो क्या पढ़ाएंगे किसी बच्चे को, और जब गांव के गांव में हमें कंप्यूटर सीखने का हमारे बेटों को बेटियों को जगह मिल जाएगी, हमसे हमारे लिए इससे अच्छा और सौभाग्य की बात क्या है। इस चीज़ की बहुत ज़रूरत थी, वो भी समय था गुप्ता जी, हम सब, हमको मालूम है, आज बच्चों को शहर में कहो।